अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। ये मेरे पास रा का टेम ब्रीडर पेयर है और लास्ट ईयर इसने मेरे पास चार पैक किए हैं और फीमेल चार एक देखती है और चार से चार फुटाइल करती है। और हम लोगों में ये गलती होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि रा के पेयर को जब ये डेढ़ से दो साल में अपनी रिंग कंप्लीट करते ना, हम इसको बॉक्स लगा देते हैं और उसकी वजह से मेल जो है ना वो स्टिक क्रॉस करना शुरू करता है। अपनी एज पूरी होती नहीं और हम उसको बॉक्स दे देते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप रा को बॉक्स लगाएं उसकी एज मेल की कम से कम एज जो है ना वो होनी चाहिए ढाई से तीन साल। तीन और साढ़े तीन साल का मेल होगा तो आपका वो मेल फर्टाइल भी करेगा और बच्चे भी पालेगा। तो फीमेल की एज होनी ना वो दो से ढाई साल फीमेल की भी एज है। फीमेल को भी हम कोशिश कर हम क्या करते हैं गलती कि हम फीमेल को ना डेढ़ साल में कहते हैं जी फीमेल बड़ी हो गई है जी डेढ़ साल में इसको बॉक्स लगा दो। फीमेल कम अज़ कम आपकी फीमेल भी दो से ढाई साल की होनी चाहिए। तो उसमें आपकी फीमेल कभी भी बच्चों को फीड कराना नहीं छोड़ेगी। तो ये हमारे रा में और रिंगनेक में मसला ही ये आता है कि हम इनको ना इनकी एज पूरी होने से पहले इनको बॉक्स लगा देते हैं और जिसकी वजह से इनमें अनफर्टिलिटी आती है। फिर वही मेल हम मार्केट में कोड़ियों के बाद सेल करते हैं।